हेलो एवरीवन, जेपीआईटी कॉलेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग मॉस में रिएक्शन निकालना सीखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बारे में सीखेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ सबसे पहले हम लोग कुछ स्टेप्स हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टेप क्या है आपका? स्टेप सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? हम लोग इम्पेरिकल रिलेशन निकालते हैं। इम्पेरिकल इम्पेरिकल रिलेशन निकालते हैं। इम्पेरिकल रिलेशन निकालते हैं किसके किसके बीच? तो लोड इंटेंसिटी के बीच, शियर फोर्स के बीच और बेंडिंग मोमेंट के बीच। लोड इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं W से, शियर फोर्स को हम लोग V से डिनोट करते हैं और बेंडिंग मोमेंट को हम लोग M से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये आपका कैसा बीम है? ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस पे आपका लोड इंटेंसिटी लगा हुआ है W न्यूटन पर मीटर का। ये जो आपका पूरा लोड लगा हुआ है, कैसा लोड है? ये आपका UDL है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, इस लोड को हम लोग क्या बोलते हैं? लोड इंटेंसिटी। कहने का मतलब हर एक जगह आपका सेम लोड लग रहा है। मान लो यहाँ पे आपका 20 लग रहा है, यहाँ भी आपका 20 न्यूटन ही लग रहा है, यहाँ भी आपका 20 न्यूटन नहीं लग रहा है, यहाँ भी आपका 20 न्यूटन। टोटल बीम पे आपका सेम लोड लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के लोड को हम लोग क्या बोलते हैं? लोड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि आपका वाई जो है आपका एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है। तो जब हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप बोलते हैं, आप लोग 10th 12th में पढ़े होंगे डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकालते हैं इसको हम लोग स्लोप ऑफ स्लोप बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग शियर फोर्स का जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तब हम लोग इसको लोड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये निगेटिव साइन आप लोग को दिख रहा होगा, ये निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन आपको डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है। ये डायरेक्शन तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे अपना, ऊपर ऊपर वाले को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव, वो एज्यूम कर लेंगे, उसका तो कोई लोचा ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मोमेंट को हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, डी अपॉन डी एक्स करते हैं, ये आपका क्या होगा? शियर फोर्स होगा। ठीक है, शियर फोर्स होगा। कहने का मतलब ये जो आपका है डी एम अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्लोप स्लोप ऑफ शियर फोर्स, स्लोप ऑफ शियर फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ लोड इंटेंसिटी। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो हम लोग, अब लोग हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। अब हम लोग इसका डिफिनेशन देखें, अलग अलग डिफिनेशन है इसका। द स्लोप ऑफ ए शियर फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, द स्लोप ऑफ ए शियर फोर्स डायग्राम एट ए पॉइंट इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एट द पॉइंट। जब हम लोग शियर फोर्स का जो स्लोप लेते हैं किसी एक पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये आपका स्लोप ऑफ शियर फोर्स है। यहाँ पर लोड इंटेंसिटी नहीं होगा, शियर फोर्स होगा। ये आपका स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट है। समझ रहे हो? जो आप शियर फोर्स के जैसा ही आप डी वाई बाय डी एक्स करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका लोड इंटेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, लोड इंटेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम है, ये आपका कैसा डायग्राम है? ये आपका है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा उसको हम लोग लोड इंटेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? लोड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट आपका है, अगर स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल टू एट ए पॉइंट इज इक्वल टू शियर फोर्स,
इज इक्वल टू शियर फोर्स। आप जो बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप लिए हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर फोर्स बोलेंगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैसा था डायग्राम, इस टाइप का डायग्राम था बेंडिंग मोमेंट का, सेंटर पे थे। आगे जाकर बताएंगे कैसे ये बनेगा, आपको अच्छे से क्लियर बताएंगे। बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम था, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा ना वो आपका शियर फोर्स कहलाएगा। ठीक, छोटी सी बात है, याद रखना। एक नंबर के क्वेश्चन में हमेशा बार बार पूछते रहता है कि स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इक्वल टू क्या होगा, तो आपको याद रखना वो लोड इंटेंसिटी होता है। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू क्या होता है, तो आपको याद रखना कि शियर फोर्स होता है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है। द पॉइंट एट विच शियर फोर्स डायग्राम चेंज इट्स साइन, द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट विल बी आइदर मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर डायग्राम था देख लो, एक मिनट, समझ में आ जाएगा कैसे होता है। ये देखो यहाँ पे, इसे मान लो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना लिया, शियर फोर्स का डायग्राम यहाँ पे बनाया। क्या कहता है, द पॉइंट एट विच शियर फोर्स डायग्राम चेंज इट्स साइन, कहने मतलब शियर फोर्स डायग्राम में आपका अगर साइन चेंज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो उस पॉइंट पे जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा या तो मैक्सिमम होगा या तो आपका मिनिमम होगा। क्या होगा, या तो आपका मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। जैसे मान लो ये आपका यहाँ था सिंपली सपोर्टेड बीम था, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ पर लोड लगा हुआ था डायग्राम, इसका जो आपका डायग्राम बना था कुछ इस टाइप का डायग्राम था, शियर फोर्स डायग्राम इस टाइप का डायग्राम था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये आपका कैसा, ये कौन सा डायग्राम है, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम है। ठीक है, क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे शियर फोर्स डायग्राम क्या चेंज हो रहा है, ये पहले पॉजिटिव वैल्यू था, अब क्या आ गया, वैल्यू आपका नेगेटिव आ गया, समझ रहे हो ना। यहाँ क्या हो रहा है, आपका साइन चेंज कर रहा था, इस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा, इस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। इसका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा था, आपका इस टाइप का था, इस टाइप का कुछ था डायग्राम। ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपका दिख रहा है, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, जहाँ पर शियर फोर्स का डायग्राम चेंज होगा, ठीक है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद देखो, इफ द शियर फोर्स चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, द बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, वही बात है, अगर आपका शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ इस पॉइंट पे आपका क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। अगर आपका शियर फोर्स डायग्राम नेगेटिव से, मान लो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे, तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा, समझ रहे हो। छोटा सा पॉइंट था, इसको याद रखना है, हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के कोई क्वेश्चन में हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्या है आपका। देखो देखो क्या दिया, अगर आपका लोड इंटेंसिटी, अगर मान लो आपका लोड इंटेंसिटी, ये आपका मान लो किस लोड इंटेंसिटी, इफ द लोड इंटेंसिटी चेंज इट्स साइन एट ए पॉइंट, देन शियर फोर्स विल बी मैक्सिमम या मिनिमम। कहने का मतलब, ये मान लो ये आपका डायग्राम है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, अगर लोड इंटेंसिटी का साइन चेंज हो रहा है, उस पॉइंट पे आपका शियर फोर्स जो होगा वो या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ये मान लो कि ये इस टाइप का लोड लगा हुआ है, इस पॉइंट पे इस टाइप का लोड लगा हुआ है, इस टाइप का लोड लगा हुआ है। ठीक है, मान लो इस टाइप का लोड लगा हुआ है, इस टाइप का लोड लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप का, ये आपका क्या है, ये आपका एक लोड है, ये आपका दूसरा लोड है। यहाँ पे क्या रहा, लोड का जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये पहला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पे जो आपका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। आगे जाके क्वेश्चन में देखेंगे कैसा यहाँ पे मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है। ठीक है, तो आप इतना बात याद रखना, अगर लोड इंटेंसिटी का अगर साइन चेंज हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे शियर फोर्स आपका जो होगा, शियर फोर्स वो आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, इफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज इट्स साइन, अगर मान लो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम बनाए यहाँ से, मान लो ऐसा कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया,
यहाँ पे सपोर्ट है, मान लो यहाँ पे सपोर्ट है अपना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा, बेंडिंग मोमेंट का साइन क्या है, चेंज हो रहा। ये पहले पॉजिटिव में था बेंडिंग मोमेंट आपका, ये आपका नेगेटिव में, ये क्या हो रहा, साइन आपका चेंज हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का जो है साइन चेंज हो रहा, जो चेंज हो रहा जिस पॉइंट पर, अगर चेंज हो रहा तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलेंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे डायग्राम चेंज होगा, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा सबको, अगर लोड इंटेंसिटी का साइन अगर चेंज हो रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। वहां पर शियर फोर्स या तो मैक्सिमम होगा या तो आपका मिनिमम होगा। अगर जहां पर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का साइन चेंज हो रहा तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा। ये आपको खूब पूछेगा एग्जाम वगैरह में, काफी ज्यादा पूछता है, तो ये पॉइंट आपको VVI है, इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट में चलते हैं, देखो अगला पॉइंट में चलते हैं, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, ये देखो। अगर मान लो पॉइंट लोड है कोई, ये मान लो आप कैसा बीम है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम है, SFD है, ये आपका BMD है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, अगर पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या शियर फोर्स डायग्राम क्या आपका सडन चेंज होगा। इस पॉइंट पे जो आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा वो आपका सडन चेंज होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे मान लो रिएक्शन कुछ निकलेगा, मान लो RA यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो कि RB है, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लो कि रिएक्शन मान लो कि 5 ही था, ये 5 ऊपर गया, ठीक है, इसके बीच में कोई लोड है, नहीं लोड है तो पैरेलल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 है, ये मान लो कि 10 किलोमीटर का लगा हुआ फोर्स, आगे जाकर अच्छे से क्वेश्चन में बताएंगे, 10 है, ये 5 ऑलरेडी आपका नीचे है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है तो आपका डायग्राम क्या होगा, सडन चेंज होगा, यानी पॉजिटिव से निगेटिव आ जाएगा। ये आपका पहले से पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है तो 5 आपका निगेटिव में आएगा। जहां भी आपको पॉइंट लोड दिखे तो वहां पे समझ जाना कि शियर फोर्स का डायग्राम में आपका सडन चेंज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो आपको अच्छे से वहां से क्लियर में समझ आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ डिफिनेशन, वही लिखा हुआ, द पॉइंट वेयर कंसेंट्रेटेड पॉइंट लोड इज एक्टिंग इज द पॉइंट एट, एक्टिंग एट ए पॉइंट, आगे लिखा हुआ, विच देयर इज सडन चेंज, यहाँ लिखा हुआ देयर इज सडन चेंज इन द शियर फोर्स डायग्राम बट नोट चेंज इन BMD। मतलब कहने का मतलब सिर्फ आपका शियर फोर्स डायग्राम में चेंज दिखने को मिलेगा बट BMD में आपको चेंज दिखने को नहीं मिलेगा पॉइंट लोड के कारण, ठीक है। अगर मान लो कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है, अगर मान लो आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे क्या था पॉइंट लोड लगा हुआ था आपका, यहाँ पे क्या था आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ था, इसका डायग्राम कुछ कैसा था, ये आपका शियर फोर्स का डायग्राम था, ऐसा कुछ था, ऐसा था। उसके बाद ये आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम था, यहाँ पे था, ऐसा कुछ था, ऐसा ही डायग्राम था ना, ये देखो, ठीक है, ऐसा ही कुछ डायग्राम है, ये सॉरी ऐसा डायग्राम नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम जो है थोड़ा सा चेंज है, कैसा डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट का, ये देखो कैसा है, ये यहाँ तक आया, इस दिन ऊपर गया और ये ऐसा, ठीक ऐसा है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ठीक है। जब आपका पॉइंट लोड लग रहा था तो आपको शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज दिखने को मिल रहा था, शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज दिखने को मिल रहा था। जब आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट लगेगा, जब आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट लगेगा, सिर्फ आपको चेंज कहाँ दिखने को मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो जहां भी पॉइंट लोड लगेगा वहां पर शियर फोर्स डायग्राम में चेंज दिखेगा, जहां पे भी कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा वहां पे आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में सडन चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखना है आपको अच्छे से, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है, ठीक है। अब देखो डिफिनेशन में भी लिखा हुआ, द पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड मूवमेंट, द पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड मूवमेंट, ये जो आपका मूवमेंट लग रहा है, ठीक है, इज एक्टिंग इन द पॉइंट एट विच, एक्टिंग एट द पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे जो एक्ट कर रहा है, लग रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बट नो चेंज इन द SFD शियर फोर्स डायग्राम, बट इसके कारण SFD डायग्राम में कोई चेंज आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है,
अगला पॉइंट क्या है, एट द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड शियर फोर्स इज नॉट डिफाइंड। देखो आप क्या है, मान लो कि ये आपका पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। इस पॉइंट लोड के कारण जो आपका शियर फोर्स डायग्राम बना है ये आपका डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, सिर्फ डिफाइंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग निकालते हैं तो ये आपका जस्ट लेफ्ट आता है। जब भी हम शियर फोर्स डायग्राम में फोर्स के कारण निकालते हैं, जस्ट लेफ्ट निकालते हैं और जस्ट राइट निकालते हैं, ये जस्ट जस्ट लेफ्ट का वैल्यू है और जस्ट राइट का। इस पॉइंट पे जो लग रहा है आपका 10 न्यूटन लग रहा है, मतलब 10 न्यूटन लग रहा है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू है तो वो आपका डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में खूब क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे पॉइंट कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा हुआ है तो वहाँ पे क्या शियर फोर्स डिफाइंड होगा, तो वहाँ पे शियर फोर्स डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे लगा हुआ है आपका बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, किसी पॉइंट पे अगर मोमेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट आपका डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जब भी हम लेंगे यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम में जस्ट लेफ्ट लेंगे और जस्ट राइट लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे नहीं लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं इसका शेप कैसा होगा, शेप के बारे में जानेंगे, इसका शेप कैसा होगा। अब देखो शेप के बारे में जानेंगे हम लोग, ये देखो आपका आपका ये आपका लोड है, ठीक है, लोड है, ये आपका शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम और शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। मान लो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपका कैसा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस पे क्या आ रहा है आपको, मान लो यहाँ पे पॉइंट लोड लगा दो, तुम एक पॉइंट लोड लगा दो, पॉइंट लोड लग रहा है कुछ भी, 10 न्यूटन का लगा दो, ठीक है। यहाँ पे आर ए होगा आपका आर बी। जब तक आपको रिएक्शन निकालना नहीं आएगा तब तक आप शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाओगे, इसीलिए आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आपको रिएक्शन निकालना अच्छे से आ जाए, ठीक है। रिएक्शन निकालने के लिए आप खूब क्वेश्चन बनाइए, कोई भी डाउट आता तो हमसे पर्सनली पूछ लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन निकालना आप कन्फर्म कर लीजिए, आपको आना ही चाहिए, तभी आप शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पाओगे, ठीक है। अब देखो मान लो किस कोई बीम है, ये आपका बीम है, ये आपका मान लो एक बीम है, ये बीम है आपका, ये बीम है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई लोड नहीं, पहला कंडीशन के नो लोड, मान लो कोई लोड नहीं लगा हुआ है, ये आपका बीम है, यहाँ पे आपका मान लो कोई लोड नहीं लगा हुआ है, ठीक है, कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, शियर फेस का डायग्राम, मान लो इस बीम पे कोई लोड ही नहीं है तो शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। मान लो y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, मान लो y, इसका dy बाई dx का निकालते हैं क्या आता है, dy बाई dx इक्वल टू कितना आएगा, 1 आता है, 1 आता है, कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। बट यहाँ तो x लग रहा है, बट यहाँ पे कोई लोड ही नहीं है, कोई लोड नहीं है, 0 है, ठीक है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, कोई डिग्री नहीं आएगा, ठीक है, 1 आ रहा है सिर्फ, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे मान लो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई लोड ही नहीं है, मान लो कि इस पे कोई लोड ही नहीं है, ये बीम पे कोई लोड ही नहीं है, जब इसका dy / dx निकालते हैं तो ये आपका क्या आता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आता है, कुछ भी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गया, ये आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गया तो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा पूरा, समझ रहे हो। अरे ऐसे नहीं देखा, मान लो y इक्वल टू x है, ठीक है, तो इसका dy / dx निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 क्या है, 1 का कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो पूरा जो डायग्राम रहेगा ये 1 पे आपका कांस्टेंट चला जाएगा, कांस्टेंट चला जाएगा, समझ रहे हो। जब कोई लोड ही नहीं है तो आपका डायग्राम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, 0 डिग्री, समझ रहे हो। ये आपका लोड नहीं है तो आपका शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा शियर फोर्स डायग्राम, देखो ऐसा बनेगा शियर फोर्स डायग्राम, ऐसा कुछ बनेगा, देखो अभी तुरंत बता देंगे कैसा डायग्राम बनेगा शियर फोर्स डायग्राम, जब आपका नो लोड हो, कोई लोड ना लगे हो, तब आपका डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, 0 डिग्री, ये आपको याद रखना है हर हालत में। ये मान लो शियर फोर्स डायग्राम है तो आपका मान लो कि यहाँ पे
आरए आरए का कुछ वैल्यू होगा, आरए है यहाँ पर, मान लो आर बी है, ठीक, कोई लोड ही नहीं लगा। ये आपका डायग्राम कैसे बनेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक, क्योंकि कोई लोड ही नहीं है, लोड ही नहीं है, ये आपका 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, डायग्राम स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एस एफ डी है, शियर फोर्स डायग्राम। वही मान लो बी एम डी है, अगर हम मान लो बी एम डी निकालते हैं, बी एम डी मोमेंट हम लोग क्या लेते हैं, जैसे डी एम अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलता था, अगर मान लो शेप ऑफ बी एम डी निकालना है, तो शेप ऑफ बी एम डी क्या होगा, आपका 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे मान लो ये आपका 1 डिग्री, तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपका कैसा होगा, 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, समझ रहे हो सब लोग, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब कोई लोड ना लगा हो, तो ये आपका क्या 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा, आपका बी एम डी जो शेप ऑफ बी एम डी होगा 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो यूडीएल के केस में, अगर मान लो यूडीएल के केस में यूडीएल लोड लगा हुआ है, यूडीएल लोड लगा हुआ है, ये आपका यूडीएल लोड लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, यूडीएल के कारण कैसा आएगा, देखो यूडीएल के कारण कैसा आएगा वो दिखाते हैं आपको, कैसा आएगा यूडीएल के कारण जो शियर फोर्स का डायग्राम होगा, जो यूडीएल के कारण जो शियर फोर्स का डायग्राम होगा, यूडीएल के कारण जो शियर फोर्स का डायग्राम होगा वो आपका 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, कैसा आएगा, 1 डिग्री यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा, मान लो 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन आएगा, कुछ इस टाइप का यूडीएल का शियर फोर्स का डायग्राम आता है, आगे जाके बताएंगे, ठीक है, ये आपका यहाँ से सेंटर से मैक्सिमम वैल्यू जो लगता है वहाँ से चेंज हो जाता है, ठीक है, ये आपका डायग्राम कैसा है, 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके जब बी एम डी बनेगा 2 डिग्री, 2 डिग्री कैसा होता है, 2 डिग्री स्क्वायर पर, जैसे मान लो ये स्क्वायर प्लस 2x वैल्यू है, ये प्लस 3 है, ये कैसा है, ये आपका 2 डिग्री है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है आपका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये आपका क्या है, 2 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री कैसा होता है, पैराबोला का टाइप होता है, कुछ इस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा डायग्राम, ये आपका बी एम डी होगा, समझ रहे हो ना, 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन कहीं पर, ये एक्स प्लस 5 है, जिसे मान लो किसी डी डी मान लो किसी आपका लोड दिया हुआ है, आपको जो लोड लोड मान लो किसी कांस्टेंट है, मान लो किसी आपका लोड क्या है, कांस्टेंट 4 है, ठीक है, अब जो इसका निकालोगे डी वी अपॉन डी एक्स निकालोगे, ये आपका क्या आएगा, 4x प्लस सी आएगा, समझ रहे हो, ये इसका डिग्री कितना है, 1 है, समझ रहे हो, 1 है, ठीक है, 1 है, तो आपका क्या आएगा, ये आपका 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन आएगा, और जो आपका शेप ऑफ बी एम डी आएगा वो आपका 2 डिग्री पैराबोला आएगा, ठीक है, कैसा आएगा, पैराबोला आएगा, ठीक। अब देखो अगर लोड आपका यूवीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड जो होता है आपका वो लगा हुआ है, तो आपका शेप ऑफ सिर्फ उस डायग्राम कैसा आएगा, 2 डिग्री स्क्वायर पैराबोला आएगा, और शेप ऑफ बी एम डी कैसा आएगा आपका 3 डिग्री क्यूबिक पैरा बोला आएगा, ठीक है, इन 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अगर इस 3 पॉइंट को आप ध्यान में रखते हैं तो आपका सिर्फ उस डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे, साइन कन्वेंशन लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो कोई भी बीम में तुम लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, अपवर्ड वाले को क्या लेते हैं, अपवर्ड वाले को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड वाले को निगेटिव लेते हैं। अगर मान लो हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, अपवर्ड वाले को निगेटिव और डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो बी एम डी में क्या होगा, जब हम लोग बी एम डी बनाएंगे तो क्लॉक वाइज, जो अगर मान लो यहाँ लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट कैसे चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो क्लॉक वाइज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉक वाइज को निगेटिव लेंगे। अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो क्लॉक वाइज को निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन को आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखना जरूरी है साइन कन्वेंशन को, आप साथ साथ लिखते जाओगे तो वो भी ज़्यादा बेटर है। पिछले लेक्चर में भी आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताए थे कि अच्छे से याद रख लेना साइन कन्वेंशन के बारे में, आगे जाके बहुत काम देगा, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या है आपका, 6th स्टेप, ये आपका लास्ट स्टेप है कि आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, ठीक है, उस क्रिटिकल पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे जिससे आपको वैल्यू निकालने में सहूलियत होगी। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, जब आप
कोई बीम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये मान लो आपका बीम है, ये आपका मान लो बीम है ठीक, सिंपली सपोर्टेड बीम है। कैसा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है ठीक। ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका, ये दोनों पॉइंट क्या है? आपका क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट ठीक है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, ये या सी भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे यूवीएल लगा हुआ है या यूडीएल लगा हुआ है ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा और इंड वाला जो पॉइंट होगा वो भी आपका क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा ठीक है। अगर मान लो कहीं पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा हुआ है या कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है, तो वो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट का यहाँ पे बताया देगा। कंसंट्रेटेड मोमेंट पॉइंट लोड लगा तो ये भी आपका क्रिटिकल है। यहाँ पे मान लो कि मोमेंट लगा हुआ है, ये भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है, समझ रहे हो? अगर मान लो कि जहाँ पे लोड इंटेंसिटी और शियर फोर्स का डायग्राम चेंज हो रहा है, तो वो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है। मान लो कहने का मतलब यहाँ पे लोड लग रहा है इस टाइप का, ये आपका लोड इंटेंसिटी है, ये जो पॉइंट है ये भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है ठीक। उसके बाद मान लो कि शियर फोर्स डायग्राम है, चेंज हो रहा है, तो वो भी आपका क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है ठीक है। तो ये चार पॉइंट जो आपका है क्रिटिकल पॉइंट, इसको भी ध्यान में रखना है कि हम जब भी क्रिटिकल पॉइंट के बारे में क्रिटिकल पॉइंट ले रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे ठीक, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए लेवल वन का क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सिंपली सपोर्टेड लिए हैं बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये बीम कैसा है आपका? ये बीम आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये देखो ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो ये बीम कैसा है आपका? ये बीम आपका है सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है? एक हिंज, एक सपोर्ट हिंज होता है, एक सपोर्ट रोलर होता है ठीक। ठीक, इस पे मान लो पॉइंट लोड लगा हुआ है आपका P, पॉइंट लोड लगा हुआ है P ठीक, P पॉइंट लोड लगा हुआ है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका पॉइंट B है ठीक है। इसका जो टोटल लेंथ दिया हुआ है आपको L है, ये L बाय टू पर लगा हुआ है, ये भी आपका L बाय टू पे लगा हुआ है, L बाय टू पे लगा हुआ है ठीक है। अब देखो पहले हम क्या चेक करेंगे, पहला क्रिटिकल पॉइंट चेक करेंगे। शियर फोर्स डायग्राम पॉइंट लोड के कंडीशन में शियर फोर्स डायग्राम तो आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ का रिएक्शन क्या होगा आप लोग को बताए थे, रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे, आर ए और आर बी निकालेंगे ठीक है। तो आप लोग को क्लास में बताए थे आर ए आर बी निकालने के लिए, ये सिमेट्रिक लोड है, सिमेट्रिक लोड लोड का हाफ हो जाएगा, ये आपका पी वाई टू आ जाएगा, ये भी आपका पी वाई टू आ जाएगा ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम आपका यहीं से बन जाएगा। साइन कन्वेंशन को ध्यान रखेंगे, देखो शियर फोर्स डायग्राम, ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर ए जो लग रहा है, हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, एक एक फोर्स को हम लोग काउंट करते चलेंगे, किसी फोर्स को हम लोग को छोड़ना नहीं है। तो आर ए क्या है आपका? आर ए जो है आपका अपवार्ड फोर्स है। आर ए क्या है आपका? अपवार्ड फोर्स है, अपवार्ड फोर्स है। तो ये ऊपर जाएगा, कितना जाएगा ऊपर? तो पी वाई टू जाएगा ठीक है। अब देखो इस पॉइंट सी पे, यहाँ मान लो पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट सी है, ये मान लो पॉइंट सी है आपका ठीक है। अब देखो इस बीच में पॉइंट ए टू पॉइंट सी कोई लोड है? नहीं है कोई लोड है। कंडीशन क्या था आपका? नो लोड कंडीशन क्या था? मान लो कुछ लोड अगर नहीं है तो वहां पर क्या था? स्ट्रेट लाइन होता था ठीक है। पीछे वाला में दिखा हुआ है, देखो पीछे वाला में दिखा हुआ है, अगर यहाँ पर नो लोड है तो जीरो डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम में ठीक है। देखो काम आ रहा है, काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है, ये याद रखना है। तो देखो ए टू सी कोई लोड नहीं है, ये आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, कितना आया? ये आपका पी बाई टू आया, ये कैसा है आपका? पॉजिटिव है। अब देखो याद करो जहां पे पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड लगाते थे, पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड लगाते थे जहां पे, तो वहां पे आपका सडन चेंज होता था शियर फोर्स ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में बताए थे, तुरंत बताए हैं, देखो यहाँ पर बताए थे, ये देखो ये आपका पॉइंट लोड लग रहा था, क्या रहा आपका? सडन चेंज हो रहा है, हो रहा है ना जी, सीधे पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है ठीक है, डिफ्रेंशियल में लिखा हुआ था। उसी तरह देखो यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है तो आपका ग्राफ सडन चेंज होगा, कितना चेंज होगा? ये टोटल पी है, टोटल पी लोड है, अब पी वाई टू ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव में पहुंचा हुआ है, तो कितना जाएगा नीचे? तो पी वाई टू जाएगा, तब ना जी दोनों जोड़ कर पी आपका पड़ेगा, समझ रहे हो? ये आपका पी वाई टू जाएगा, समझ रहे हो? अब इस लोड का काम खत्म, अब इसका काम खत्म,
अब इस पे आएंगे, ठीक है। अब देखो सी टू बी कोई लोड है आपका, कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो कैसा ग्राफ होगा आपका, जीरो डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा, नो लोड है, कोई लोड है, लोड नहीं है, तो क्या होगा, जीरो डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब देखो ये पी, अब इस पॉइंट पे बी पे आ गए, तो बी पे आर बी क्या है, आर बी आपका पी बाय टू है, कैसा अपवार्ड है, ये अपवार्ड जाएगा, ये आपका अपवार्ड जाएगा, ये आपका क्या है पी बाय टू, ये आपका निगेटिव है। तो ये आपका डायग्राम कैसा बन गया, शियर फोर्स डायग्राम। समझ में आ गया सबको, एक बार और अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। अब देखो शियर फोर्स डायग्राम क्या है, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये आपका पॉइंट सी है, ठीक है। तो पॉइंट ए जो हम रिएक्शन निकाले थे, ठीक है, पॉइंट पी लोड के कारण रिएक्शन कितना निकाले थे, पी बाय टू निकाले थे, ठीक है। आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया गया था रिएक्शन निकालने का, लिए देखो रिएक्शन यहाँ पर कितना काम आ रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर रिएक्शन नहीं आता है तो सीख लो, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद ही तुम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पाओगे, ठीक। अब देखो आर ए क्या है, यहाँ पे पी बाय टू है, ये कैसा रिएक्शन है, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइन कन्वेंशन में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अपवर्ड वाले को हम लोग पॉजिटिव लेते थे और डाउनवर्ड फोर्स को हम लोग निगेटिव लेते थे, ठीक है, याद होगा सबको। ये अपवर्ड फोर्स थे, अपवर्ड पॉजिटिव आएगा, कितना जाएगा पी बाय टू गया है, ठीक। अब ए टू सी देखो कोई लोड है नहीं है, कोई लोड है यहाँ के बीच, ए टू सी में कोई लोड नहीं है, तो कैसा जाएगा ग्राफ आपका, जाएगा ये आपका जीरो डिग्री स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि नो लोड है, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सी पे देखो पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड के कारण क्या होता है कि शियर फोर्स डायग्राम में आपका सडन चेंज आता है। ये तो आपका पी बाय टू आ गया, यहाँ से यहाँ तक तो आपका पी बाय टू आ गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डायग्राम, तो ये आपका पी बाय टू है, तो ये भी आपका पी बाय टू होगा। अब नीचे कितना जाएगा, तो पी टोटल लोड इस पॉइंट पे कितना लग रहा है, पी लग रहा है, तो पी बाय टू ऑलरेडी यहाँ पे चला आया है, तो कितना बच गया, पी बाय टू जाएगा नीचे, ये आपका नीचे पी बाय टू चला, देखो आप अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव है, सडन चेंज होगा पॉइंट पी लोड पे, ठीक है। तो ये आपका कितना आया पी बाय टू, उसके बाद अब देखो सी टू बी कोई लोड है, सी टू बी कोई लोड नहीं है, ये आपका ग्राफ कैसा जाएगा, जीरो डिग्री स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप पॉइंट बी पे क्या अपवर्ड फोर्स है, पॉइंट बी पे आपका कैसा फोर्स है, अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड कितना है, अपवर्ड जाएगा आपका पी बाय टू जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। वैल्यू मैच करना चाहिए और आपका जो आपका डायरेक्शन है रिएक्शन का, वो डायरेक्शन मैच करना चाहिए, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले क्रिटिकल पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, इस बीम में क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो बताए थे अभी तुरंत, बताया था क्रिटिकल पॉइंट जो आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, इंड वाला जो पॉइंट है आपका क्रिटिकल पॉइंट है, अगर कहीं पे पॉइंट लोड लग रहा है वो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। देखो तुरंत यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है आपका, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट स्टार्टिंग और इंड जो है ऑफ द बीम वो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, स्टार्टिंग और इंड ऑफ द यूडीएल जो यूबीएल का जो होगा वो भी आपका क्रिटिकल है, अगर पॉइंट लोड कहीं पर लग रहा है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड वो भी आपका क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, अगर कहीं पर कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है वो भी क्या है आपका, क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो ये जो बीम है ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये आपका इंड वाला पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है ये भी आपका क्या है क्रिटिकल, टोटल इसमें क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, तीन क्रिटिकल पॉइंट हैं, ठीक है। इसी तीन पॉइंट के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना आपका बेंडिंग मोमेंट एट सी पे आता है, ठीक है। अब देखो ए बी और सी, ठीक, तीन पॉइंट क्रिटिकल मिला। अब देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए पे कोई बेंडिंग मोमेंट है, पॉइंट ए पे देखो पॉइंट ए पे कोई है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे कोई मोमेंट होगा, इस मोमेंट पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आर ए का जो आपको फोर्स लग रहा है, आर ए जो लग रहा है पी बाई टू, ये आर ए जो आपका पी बाई टू लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इसी कारण इस पॉइंट का जो बेंडिंग मोमेंट होगा ये आपका इस पॉइंट पे जीरो होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट जो क्रिटिकल है, बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पे कोई मोमेंट होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पी बाई टू जो
लग रहा है, पी बाई टू जो लग रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे इसका भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसके कारण इसका भी बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, हर एक पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट दिख रहे हैं, ना कि आपको टोटल बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। आप कोई बोलेगा कि यहाँ पे पॉइंट बी पे सर है बेंडिंग मोमेंट, तो इसका आर ए का भी तो आ सकता है, नहीं हम आर ए का नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। हमको टोटल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हर एक पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए तो बोलते हैं कि लास्ट वाला, एंड वाला, पॉइंट लोड वाला आपका क्रिटिकल पॉइंट है, समझ रहे हो, हर एक पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, ठीक। अब देखो पॉइंट सी पे क्या है, पॉइंट सी पे आपको बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, पॉइंट सी पे मिलेगा बेंडिंग मोमेंट आपको, ये मान लो कि बीम है, ये आपका बीम है, ठीक है, पॉइंट सी पे तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ पे देखो पी बाय टू है, ये कितना है, एल बाय टू है, ये आपका इसे आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, पी बाय टू इंटू एल बाय टू आएगा, ये आपका कितना आएगा, पी एल बाय फोर आएगा, समझ रहे हो। कितना आया, एट बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी पे आपका जो आया है बेंडिंग मोमेंट, वो आपका पी एल बाय फोर आया है, ठीक है। अब देखो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट इस स्टेप का बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ये देखो। अब देखो नो लोड कंडीशन में क्या था, पहले क्या करेंगे, अब देखो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट, पॉइंट सी पे, पॉइंट ए पे मोमेंट क्या था, पॉइंट ए पे मोमेंट आपका जीरो है, पॉइंट ए पे मोमेंट जीरो है, पॉइंट बी पे मोमेंट क्या है आपका, पॉइंट बी पे भी मोमेंट आपका जीरो है, ठीक है। पॉइंट सी पर सिर्फ आपको मोमेंट मिला है, कितना मोमेंट मिला है, तो पी एल बाय फोर मिला है, ठीक है। अब देखो ए टू सी कोई लोड नहीं था, कोई लोड नहीं था, नो लोड कंडीशन है, तो नो लोड कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट कितना था, वन डिग्री, वन डिग्री क्या था, स्ट्रेट लाइन था, अब क्या था, वन डिग्री स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, सही है ना जी। शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, तो उसके कारण जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या कितना आएगा, वन डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या आएगा, वन डिग्री स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई लोड नहीं है, ए टू सी, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका क्या है, वन डिग्री स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब देखो सी टू बी कोई लोड है, कोई लोड नहीं है, यहां से भी जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, वन डिग्री स्ट्रेट लाइन बनेगा, देख रहे हो, हर एक पॉइंट आपको एक दूसरे से कनेक्ट है, तो हर एक पॉइंट को आपको याद रखना जरूरी है, तभी आप बना पाओगे क्वेश्चन, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। एक बार और समझ लो अच्छे से, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इस पे आपका आर ए क्या है, पी बाई टू है, देखो पी बाई टू है, ये आपका आर बी है, पी बाई टू है, ये आपका पी है लोड, टोटल लोड है पी, उसके बाद एल बाई टू पे लग रहा है, ये एल बाई टू पे लग रहा है। शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या करते हैं हम लोग, साइन को साथ लेंगे, यहाँ पे अपवार्ड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवार्ड को हम लोग निगेटिव लेते हैं, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आर ए का वैल्यू कितना है, पी बाई टू, कैसा फोर्स है, अपवार्ड है, ये अपवार्ड चला गया, कितना गया, पी बाई टू गया, ठीक है। अब देखो ए टू सी के बीच में कोई लोड है, नो लोड है, नो लोड कंडीशन है, ये डायग्राम कैसा आ गया, जीरो डिग्री स्ट्रेट लाइन, ये आपका जीरो डिग्री स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो पॉइंट लोड का कारण क्या होता था, आपका सडन चेंज होता था, ये आपका सडन चेंज होगा यहाँ पे, ये आपका कितना है, ये आपका पी बाई टू ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो पी बाई टू ही होगा, यहाँ पे पी बाई टू होगा, पी बाई टू तो यहाँ ऑलरेडी आ गया, अब नीचे कितना जाएगा, तो नीचे आपका पी बाई टू जाएगा, तब तो पूरा पी बनेगा ना, इस दोनों का ऐड करोगे तब ना आपका पी बनेगा, समझ रहे हो, ये हाफ है, ये हाफ है, हाफ आप ऐड करोगे तो आपका पूरा पी बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सी टू भी कोई लोड है, नहीं लोड है, ये आपका जाएगा वन डिग्री जीरो डिग्री स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी बाई टू कैसे लग रहा है, अपवार्ड लग रहा है, पी बाई टू आपका अपवार्ड लग रहा है, यहाँ से ये आपका अपवार्ड जाएगा पी बाई टू, ठीक है, सिर्फ उस डायग्राम बन गया, इजिली है, बहुत इजी है, आपको अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से जान जाओगे, समझ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट के लिए सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन क्रिटिकल पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट बी, तीन क्रिटिकल पॉइंट है, जहाँ पर आपका इंड वाला तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो पॉइंट मोमेंट एट पॉइंट ए आपका जीरो हो जाएगा, मोमेंट एट
बी पॉइंट आपका जीरो आ जाएगा, सिर्फ मोमेंट आपको कहाँ मिलेगा पॉइंट बी पे मिलेगा, पॉइंट सॉरी पॉइंट सी पे मिलेगा, मोमेंट सिर्फ पॉइंट सी पे मिलेगा। यहाँ पर लोड लग रहा है तो लोड लगने के कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पर आपको मोमेंट लिखने को मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो पॉइंट आपका सी पर सिर्फ मोमेंट मिलेगा, कितना मोमेंट मिलेगा आपका, तो पी बाई टू इंटू एल बाई टू, पॉइंट सी पे यहाँ पे ले लो, पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे मोमेंट लिए हो, पॉइंट सी पे मोमेंट लिए हो, ये आपका पी बाय टू इंटू एल बाई टू आएगा, समझ रहे हो। तो पी एल बाय फोर आ गया, तो पॉइंट सी पे आपका कितना मोमेंट आया, पी एल बाय फोर आया, ठीक है। पॉइंट जी जो आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये तो यहाँ पर मोमेंट जीरो था, यहाँ पर मोमेंट जीरो है। आप देखेंगे ए टू सी जो है, ए टू सी कोई मोमेंट था आपका, कोई मोमेंट नहीं, कोई लोड नहीं है, तो ये आपका मोमेंट वाला डायग्राम कैसे बनेगा, वन डिग्री स्ट्रेट लाइन बनेगा। नो लोड कंडीशन में सीयर फोर्स डायग्राम जो बनता है वो जीरो डिग्री स्ट्रेट लाइन बनता है, और बीएमडी का जो डायग्राम बनता है वो वन डिग्री स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। उसके बाद सी टू बी भी है आपका, कोई लोड नहीं है, तो आपका ये वन डिग्री स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अच्छे से और क्लियर आएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार दो बार अच्छे से वीडियो देख लीजिए और नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा, दो बार अपने हाथ से लिखिएगा, अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।